दोस्तों कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे से होंगे। दोस्तों आज फिर से मैं सऊदी प्रोफेशनल वेरिफिकेशन टेट से रिलेटेड कुछ भाइयों का कमेंट लेकर आया हूँ। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट कमेंट है। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया दोस्तों, उसमें मैंने कुछ कमेंट का रिप्लाई किया था। इसी तरह दोस्तों अभी कंटिन्यू मुझे कुछ ना कुछ कमेंट मिलता है, और जो मुझे लगता है कि जो इंपॉर्टेंट कमेंट है उसका रिप्लाई देना जरूरी है, जिससे आपको भी जानना बहुत जरूरी है दोस्तों। तो इसी चलते मैं दोस्तों एक कमेंट का मैं दूसरा वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। इसमें भी मैं आपको कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट कमेंट का मैं रिप्लाई करूंगा। तो इसलिए दोस्तों आज का वीडियो आप देखिए, क्योंकि आपके मन में भी इसी तरह कुछ ना कुछ डॉट होगा, कुछ क्वेश्चन होगा, जो हो सकता है कि आपके वीडियो देखने से आपको वो मन का डॉट क्लियर हो जाए। तो चलिए और देरी नहीं करते हैं और शुरू करते हैं आज का वीडियो। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राज, और आपका अपना चैनल राज टेक्निकल इन्फो में बहुत बहुत स्वागत है। आज जो दोस्त पहली बार आए हमारे चैनल पे, तो उनसे रिक्वेस्ट है नीचे दिए गए रेड कलर बटन पर क्लिक करके मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल के आइकन पर क्लिक कर लीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, क्योंकि मैं हमेशा आप लोगों के लिए इसी तरह इंपॉर्टेंट यूजफुल टॉपिक पर वीडियो बनाते रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं कमेंट की तरफ। मैं बताता हूँ कि वो कौन कौन सा कमेंट है जिसको जानना आपको ज़रूरी है। एक मिनट मैं थोड़ा ओपन कर लेता हूँ उसे। ओके दोस्तों, पहला कमेंट है माजिद खान के तरफ से। इनका कहना है कि भाई पास्ट का सर्टिफिकेट कैसे डाउनलोड करें। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब आप एग्जामिनेशन दे देते हैं, तो अभी फिलहाल इस तरह से कोई वेबसाइट नहीं है कि जिसमें आप अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको अपना रिजल्ट देखना है तो मैंने इस पर एक वीडियो बनाया है, ये वाला वीडियो आप चाहे तो इस वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि आप किस तरह से अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। इसमें सिर्फ आपको इतना ही बताया जाएगा दोस्तों कि आप फेल है या पास है, ठीक है। इसके अलावा इस पर कुछ नहीं रहेगा। आपको सर्टिफिकेट आपको डाउनलोड करने कोई ऑप्शंस नहीं है। एग्जामिनेशन सेंटर से आपकी कंपनी में वो सर्टिफिकेट जो मेल कर दिया जाता है, और आपकी कंपनी जो है आपको इन्फॉर्म करके आपको आपको सर्टिफिकेट दे देती है। ओके दोस्तों, ओके अब बढ़ते हैं नेक्स्ट कमेंट में। सईद इमरान की तरफ से, अगर फेल हो गए तो कोई क्लासेस भी होंगे कि नहीं। तो दोस्तों इसका जवाब है कि अगर आप इनकेस एग्जामिनेशन में फेल हो जाते हैं तो आपको कोई क्लास वगैरह नहीं दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन ये है कि दोस्तों आपको तीन चांस मिलेगा, आपको तीन बार आपको मौका मिलेगा एग्जामिनेशन देने के लिए। अगर फर्स्ट टाइम में नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, सेकंड टाइम मिलेगा चांस, सेकंड भी नहीं हुआ थर्ड चांस मिलेगा आपको, ठीक है। तीन चांस मिलेगा आपको एग्जामिनेशन पास करने के लिए। लेकिन आपको जो सवाल है कि क्लासेस भी होंगे कि नहीं, जवाब दोस्तों कोई भी क्लास आपके लिए नहीं किया जाएगा। ओके, तीसरा कमेंट है दोस्तों राजन कुमार की तरफ से। इनका क्वेश्चन है दोस्तों, भाई प्रोफेशन टेस्ट पॉकलैन ऑपरेटर का भी होगा क्या, प्लीज़ रिप्लाई। पोखरण हाईवे मशीनरी में आता है। तो भाई मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी फिलहाल दोस्तों वेल्डर, एसी टेक्नीशियन, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, कारपेंटर, ठीक है, इस तरह से अभी पांच छह प्रोफेशन का टेस्ट हो रहा है। लेकिन आपका भी टेस्ट का नंबर आएगा दोस्तों, ठीक है। अभी नहीं हो रहा है, लेकिन फिलहाल कुछ दिन के बाद में आपका भी टेस्ट देना पड़ेगा, क्योंकि सऊदी गवर्नमेंट ने 1000-1200 प्रोफेशनल जो है अपने लिस्ट में रखा है, सभी को अपना टेस्ट देना होगा एकामा रिमूव करने के लिए। तो अगर अभी आपका नहीं है तो आप अपना तैयारी करिए, क्योंकि हो सकता है कि कुछ दिनों बाद में आपका भी प्रोफेशन जो है लिस्ट में आ जाएगा एग्जाम देने के लिए। ओके, अब नेक्स्ट कमेंट है माजिद खान की तरफ से। इनका कमेंट है दोस्तों, अब से मैंने टेस्ट पास कर लिया है तो मुझे सर्टिफिकेट मिलेगा। आपको जो रिजल्ट रहेगा, आपके जो सर्टिफिकेट है, आपको कंपनी को मेल कर दिया जाता है, कंपनी जो है आपसे कॉन्टेक्ट करके आपको 2 से 3 दिन में दे देगी। ओके, इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट कमेंट है मनोज पासवान की तरफ से। इनका कहना है कि भाई साहब हम पढ़े लिखे नहीं हैं तो कैसे जवाब देंगे। तो दोस्तों ये तो बहुत प्रॉब्लम वाली बात है, क्योंकि आपको जो एग्जामिनेशन होगा वो कंप्यूटर में होगा, लाजिम आपको पढ़ना चाहिए। आप जब पढ़ सक जब आप पढ़िएगा तो ही आप उसका आंसर दे सकते हैं। अब जब कह रहे हैं कि अब पढ़ना नहीं आता है, तो दोस्तों फिर आपके लिए बहुत मुश्किल वाली बात है। अब एक बार ट्राई करिए, अपने एग्जामिनर को बताइए कि सर मुझे पढ़ना नहीं आता, आप मुझे क्वेश्चन पढ़ के बताइए। अगर वो पढ़ के बता देते हैं तो सही है, मुझे लेकिन नहीं लगता कि वो आपको इतनी हेल्प करेगा, ठीक। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट कमेंट। नेक्स्ट कमेंट है दोस्तों मोहम्मद सौरभ की तरफ से। और भाई जो हिंदी भाषा सेलेक्ट करते हैं तो वो कैसे कैसे है, आसान वाला है या शुद्ध हिंदी है, क्योंकि शुद्ध हिंदी इंग्लिश से भी ज़्यादा टेंशन है और बहुत सारे लोग को सही से पता भी नहीं है। भाई मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आपको जो हिंदी मिलेगा वहाँ पर ही सिंपल रहेगा, ठीक है, इतना रहेगा कि आपको समझ में आ जाएगा, इतना भी खाटी हिंदी नहीं रहेगा कि आपका सर के ऊपर से पार हो जाए, ठीक है। कुछ कुछ जो नाम रहता है जो खाटी हिंदी का, तो वो तो खाटी हिंदी में ही लिखा रहेगा, लेकिन जो भी रहेगा हिंदी दोस्तों आपको समझ में आएगा, मुश्किल वाली बात नहीं दोस्तों, आराम से टेस्ट दे सकते हैं। नेक्स्ट कमेंट है दोस्तों सुहेल कुरैशी की तरफ से। क्वेश्चन है, कितना क्वेश्चन का आंसर देने वाला पास
होता है और टोटल कितना क्वेश्चन आता है। आपको सामने 15 से 20 क्वेश्चन आएगा और आप जितना ज़्यादा क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं दीजिए, आपके लिए बेनिफिट है। ठीक है, इसमें कोई लिमिट नहीं है कि आपको 5 देना है 10 देना, आपको जितना मालूम है जितना ज़्यादा आप आंसर दे सकते हैं उतना आपके लिए बेनिफिट है दोस्तों। ओके, नेक्स्ट कमेंट है दोस्तों खान महबूल की तरफ से। इनका क्वेश्चन है सर्टिफिकेट एग्ज़ाम पास होने के बाद कितना देने के बाद मिलेगा। ठीक है, तो दोस्तों आप एग्ज़ाम जब पास कर जाते हैं तो आपको सर्टिफिकेट जो है आपको वहाँ से 2 से 3 दिन में मिल जाता है। ठीक है, वो आपको कंपनी पर डिपेंड करता है कितना जल्दी आपसे कॉन्टेक्ट करके वो आपको सर्टिफिकेट जो है आपके हवाले कर दे, लेकिन इतना है कि 2 से 3 दिन में सर्टिफिकेट सबको मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कमेंट है दोस्तों थ्री मुरेश्वरा, अगर मैं आपका नाम गलत पढ़ा तो उसके लिए सॉरी। ठीक है, इन भाई का क्वेश्चन है दोस्तों कि टोटल हाउ मेनी क्वेश्चन नीड आंसर। ठीक है, जैसे कि मैंने पहले भी आपको सेम क्वेश्चन मैंने आपको पहले हिंदी में पढ़ कर बताया था कि कितना क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। ठीक है, तो वही सेम जवाब है दोस्तों, आप जितना ज़्यादा क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं आपके लिए बेनिफिट है। ठीक है, ये नहीं कि आप सिर्फ 2, 4, 5 दीजिए उसके बाद फिर छोड़ दिए, ऐसा मत करिए। आपको जितना क्वेश्चन का आंसर मालूम है आप पूरा दीजिए, जितना आंसर दीजिएगा उतना आपको आपके लिए फायदा होगा। ओके दोस्तों, ये था कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट कमेंट जो जिसको मुझे आपको बताना जरूरी लगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए, और अभी तक मैं चैनल सब्सक्राइब नहीं किए दोस्तों तो नीचे दिए गए रेड कलर बटन पर क्लिक करिए, मुझे सब्सक्राइब कर लिए, साथ ही बेल के आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए, उसको नोटिफिकेशन ऑन कर लिए, ताकि मैं कोई भी आप लोगों के लिए इसी तरह यूजफुल टॉपिक पर वीडियो बनाकर अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय एंड टेक केयर।